मैंने बड़ी छोटी उम्र से इस चीज़ का आगाज़ किया, तो मैं 8th क्लास में था, तो उस टाइम पे ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे थोड़ा सा डिसाइड हुआ कि मुझे इन फ्यूचर इस फील्ड को परसू करना है। जैसे मैट्रिक के पेपर की छुट्टियां होती हैं, उनके दौरान मैंने पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाना सीखा। मेरे उस्ताद थे एसएम खालिद साहब, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप कुछ साइन बोर्ड पेंट, सिनेमा बोर्ड पेंट की तरफ जाएं। मैंने रॉयल पार्क जाना, वहाँ पे साइन बोर्ड्स पे पोर्ट्रेट्स बनाने, राइटिंग लिखनी। ग्रेजुएट में मेरा मेजर सब्जेक्ट भी फाइन आर्ट्स था और मेजर मेरा पेंटिंग था। तो इसी तरह से फिर ये सफ़र चलते चलते चलते, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में तकरीबन 21 साल हो गए मुझे काम करते हुए। आर्टिस्ट को शायद उतना पैसे कमाने से नहीं होता जितना उसके अपनी तख्लीक की हुई पेंटिंग के साथ प्यार होता है। मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में हर बंदा विजुअल आर्टिस्ट है। मैं एक स्टूडियो भी चला रहा हूँ और हम अपने पास स्टूडियो में कोचिंग क्लासेस देते हैं। हमारी सोसाइटी में इसको सब्जेक्ट कंसिडर ही नहीं किया जाता, सबसे बड़ी वजह ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज तंजीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक विजुअल आर्टिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ पिछले 21 बरस से फ़ाइन आर्ट्स और बिलखसूस पेंटिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं। हम इनसे जानेंगे कि पेंटिंग की किस किस जहत में इन्होंने काम किया और क्या जो ड्राइंग्स और पेंटिंग्स हम देखते हैं वो सिर्फ देखने की हद तक ही होती हैं या उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट या स्टोरी भी होता है। ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह पहले अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं और फिर उस क्रिएटिविटी के ज़रिए ड्राइंग करके लोगों को मुतासर करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीलुर रहमान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आप एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और पेंटिंग में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी एजुकेशन को भी मुकम्मल किया और साथ साथ अपने इस शौक़ को भी परवान चढ़ाया, ये दोनों काम आपने कैसे किए? ये सारा सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। थोड़ा सा मैं अपना जो बैकग्राउंड है आर्ट का, जो एक अरसे से मैं काम कर रहा हूँ उसमें, मैंने बड़ी छोटी उम्र से इस चीज़ का आगाज़ किया। एक ऐसी एज में जब स्टूडेंट को ये भी आइडिया नहीं होता कि उसने फ्यूचर में करना क्या है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें इसमें से डिफ़ाइन थी कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना है या मुझे पेंटिंग का शौक है, तो मुझे इसी को आगे स्टडीज़ में लेके आना है। तो मैं 8th क्लास में था, तो उस टाइम पे ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी और स्कूल में मोस्टली होता था कि ड्राइंग के पीरियड का वेट भी होता था कि जिसमें हमें ड्राइंग करने को मिलेगी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिसाइड हुआ कि मुझे इन फ्यूचर इस फील्ड को परसू करना है, तो बस इसी में थोड़ा थोड़ा फिर मैं आगे करता गया। उस एज में तो स्कूल चार्ट लिखा करता था और स्कूल चार्ट लिखने के साथ साथ इसी तरह फिर बाकी जो ग्रेड से मैट्रिक तक है, आफ्टर मैट्रिक फिर ICS किया। ICS के दौरान फिर जैसे मैट्रिक के पेपर की छुट्टियां होती हैं, उनके दौरान मैंने पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाना सीखा। अभी कोई प्रॉपर किसी आर्ट इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन तो नहीं लिया था, लेकिन उसमें था कि पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाना सीखा। मेरे उस्ताद थे एसएम खालिद साहब, तो उसके बाद उन्होंने फिर जब मेरे हाथ को देखा कि अच्छा काम कर लेता है, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप कुछ साइन बोर्ड पेंट, सिनेमा बोर्ड पेंट की तरफ जाएं। तो अभी मैं ICS कर ही रहा था, तो उसमें होता था कि सुबह के टाइम कॉलेज, शाम के टाइम में मैंने रॉयल पार्क जाना, वहाँ पर साइन बोर्ड्स पे पोर्ट्रेट्स बनाने, राइटिंग लिखनी, कैलीग्राफी। तो ये था कि NCA जाने से पहले पहले, आर्ट एजुकेशन से पहले पहले, कुछ इस तरह के कमर्शियल मार्केट में काम करने से जो नॉलेज और एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद ये जुस्तजू थोड़ी और बढ़नी शुरू हुई कि क्यों ना मैं इस फील्ड को प्रॉपर स्टडीज़ के साथ देके आऊँ। तो इसी दौरान NCA में अप्लाई किया, वहाँ पे एडमिशन हो गया आफ्टर FSC, वहाँ से ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट में मेरा मेजर सब्जेक्ट भी फाइन आर्ट्स था और मेजर मेरा पेंटिंग था। तो इसी तरह से फिर ये सफ़र चलते चलते चलते, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में तकरीबन 21 साल हो गए मुझे काम करते हुए और इसी में काम कर रहे हैं। और सर, अब तक के आपके काम में आपकी मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं? आर्टिस्ट को शायद उतना पैसे कमाने से नहीं होता जितना उसके अपनी तख्लीक की हुई पेंटिंग के साथ प्यार होता है। अगर मैं अपने अचीवमेंट में देखूं, मैंने अपने अचीवमेंट में बहुत काम किया है। मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, गवर्नमेंट लेवल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, फिर बहुत से अवार्ड भी विन किए हैं नेशनल लेवल पे, उसके बाद बहुत से शोज़ भी, ग्रुप शोज, सोलो शोज़, और पाकिस्तान में भी, अब्रॉड भी बहुत काम गया मेरा।
तो देखिए, जो क्रिएट करने का जो ताल्लुक़ है पेंटिंग के साथ, जो एक मेरा एक रिलेशन है, वो पिछले 21 साल से टूटा नहीं है। मैं आज भी पेंट करता हूँ, आज भी ड्राइंग करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि मुझे डेली काम करके एक नई एनर्जी मिलती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे लिए एक एनर्जी भी दे रहा है। और दूसरी बात कि एक टाइम पे तो शायद ये चीज़ नहीं सोची थी कि मैं इससे पैसे भी कमाऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा इसमें काम किया है तो आज वही जो मेरी स्टडीज़ थी और जो मेरा पैशन था वो आज मेरा प्रोफेशन भी है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मैंने इस पूरे सिस्टम के अंदर वही फील्ड चूज़ की जिसमें आज मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो मोस्टली होता है कि आपने स्टडीज़ कुछ की हैं, आपने आगे फील्ड में कुछ कर रहे हैं, तो शायद वो जो एक इंट्रैक्शन आपका ब्रेक हो जाता है आपकी फील्ड के साथ और आपके शौक का जो ताल्लुक है, तो शायद इस फील्ड के अंदर आके मेरी ये दोनों चीज़ें पूरी होगी। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें पूरी होना ही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सर, ये पेंटिंग और विजुअल आर्टिस्ट ये एक बड़ी ब्रॉड फील्ड है, मुझे ये बताइएगा कि आपने किस किस जहत में किस किस तरह से काम किया। अच्छा सर, विजुअल आर्टिस्ट पे थोड़ा सा मेरी अपनी एक परसेप्शन है, मोस्टली तो ये होता है कि जी फाइन आर्टिस्ट या पेंट करने वाला ही एक आर्टिस्ट है, लेकिन मेरी परसेप्शन इस पे थोड़ी ये भी है कि मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में हर बंदा विजुअल आर्टिस्ट है। विजुअल मतलब इमेज मेकिंग, आपके माइंड में कोई इमेज चल रहा होता है। अगर कोई बंदा आर्टिस्ट नहीं भी, अगर हम उससे कोई बात करते हैं, अगर तो वो कोई सेंटेंस या कोई वर्ड या कोई बात उसके साथ उसके जहन में आती है और वो चलती है, तो उसके माइंड में एक इमेज बनता है। गो के वो उसको बना नहीं सकता, लेकिन उसके माइंड में वो चीज़ एक सोच के थ्रू रहती है। तो विजुअल आर्ट में जो मोस्टली देखा जाए तो वो फिर पेंटिंग की तरफ निकलता है ज़्यादा काम। तो मैंने इसमें काफ़ी मीडियम्स में काम किया हुआ है, इसमें ऑयल पेंट्स में भी काम किया है, इसमें पेस्टल्स में भी किया है, वाटर कलर में, एक्रेलिक्स में, डिफरेंट इसके मीडियम्स हैं। और फिर मोस्टली जो मेरा काम होता है वो होता है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, यानी कि उसमें हम किसी आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और इस तरह से कि जो सोच मेरे माइंड में है वो मेरी सोच एग्जीक्यूट होकर मेरे कैनवस पर आए, और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं अब मेरे माइंड में चीज़ें चलती हैं, मैं उसको कैनवस पर लेके आऊँ। तो मेरा कुछ इस टाइप का काम होता है जिसमें छोटी छोटी सी सीरीज़ होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक ड्रामा है, उसके एक 16 एपिसोड्स हैं, हम 16 एपिसोड में लास्ट के एपिसोड में कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसी तरह से मेरे आर्ट में भी यह है कि मैं पूरी एक सीरीज़ डिज़ाइन करता हूँ, उसके प्रॉपर आइडियाज़ लिखे जाते हैं, उसको लिखने के बाद उसके क्विक स्केचेस बनते हैं, उसके स्केचेस बनने के बाद फिर उसकी कॉम्पोजिशन के बाद फिर उसको कैनवस पे लेके आना, उसके साथ रंग का सोचना, रंग क्या लगेगा, आपकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, फिगर होगा, फूल होगा, पत्ता होगा, बादल होगा। अब ये जितनी भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी माइंड में चल रही होती हैं, और वही चलने वाली चीज़ें मेरी कैनवस के ऊपर आम जब हम उसको शो में लेके आते हैं वो लोगों को दिख रही होती है। सर, मैं ये चाहूँगा कि कोई एक स्टोरी या एक स्केच, उसके बारे में आप ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं मेरी एक पेंटिंग है, उसका टॉपिक है रेवलेशन, कन्फेशन। ठीक है, अब आप देखें इस पेंटिंग में एक फ्लावर है, अब इसमें लोटस फ्लावर है, लोटस फ्लावर के बारे में ये है कि ये गंदे पानी में होता है, और अब देखें गंदे पानी में ये बिल्कुल साफ होता है, प्योरिटी है। तो देखें कि मेरी इस इमेज में जो पेंटिंग में एक फूल है ये शो कर रहा है प्योरिटी को। जैसे आप देखें कि अरकान इस्लाम है 5, और जब ये आपके अंदर होते हैं एक प्योरिटी तसव्वुर की जाती है कि बंदा प्योर है। अब देखें कि एक लड़की है वो झुकी हुई है नीचे, और वो नीचे के रुख पे देख रहे हैं, उसके साथ टूटे हुए पत्ते भी हैं। अब ये टूटे हुए पत्ते, जैसे इंसान अल्लाह से जुड़ता भी है और किसी जगह पे टूटता भी है, तो वो दो तरह की चीज़ें। अब देखें कि यहाँ पे उसका जो झुकाव है सर का वो नीचे है, जैसे कन्फेस करना, अल्लाह ताला के आगे एतराफ़ करना, तो एतराफ़ कर रही है, और उसके साथ दूसरी तरफ एक रेवलेशन का अमल, जैसे हम इल्हाम भी कह सकते हैं, वही की सेंस में भी दे सकते हैं इसको, लेकिन वही तो पैगंबरों पर आई, लेकिन ये जो एक सेंस है इल्हाम की, उसमें क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको जोड़ा जा रहा है और वो कन्फेस कर रही है, और नीचे पानी, गंदे पानी में देखें फूल है। तो आप देखें कि इस फिगर के अराउंड आपको एक वाइट आउटलाइन भी दिखेगी, और फूल के साथ कनेक्शन के लिए वाइट आउटलाइन बनाई गई। अब देखें कि ये पूरी एक सीरीज़ थी, ये मेरी एक सीरीज थी, डिज़ायर, सोल, रेवलेशन, कन्फेशन, इसकी 16 पेंटिंग्स थी, ये उस पेंटिंग का एक पार्ट है। अगर पूरी सीरीज़ को मैं एलेबरेट करूँ तो उसके काफ़ी ज़्यादा विजुअल्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस पेंटिंग को इसलिए भी ब्रीफ़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो मैंने एक बात बोली कि मैं कॉन्सेप्चुअल पेंट करता हूँ, तो वो जो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में था कन्फेशन और रेवलेशन का, वो मैंने अपने इस विजुअल में पेंट कर दिया। ये मेरी सोच थी, वो कैनवस पर आ गई।
सर मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, जिनको अगर आर्ट्स का या फाइन आर्ट्स की फील्ड के बारे में कोई बच्चा जाके कहे तो वो फौरन इस पे इनकार करते हैं और गुस्से का इजहार करते हैं कि ये कौन सी फील्ड है, किसी प्रॉपर फील्ड में जाओ। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा सर, इसमें ना क्योंकि मैं एक स्टूडियो भी चला रहा हूँ और हम अपने पास स्टूडियो में कोचिंग क्लासेस देते हैं जिन स्टूडेंट्स ने आर्ट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना होता है, लाइक NCA, PIFD, BNU, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि इन इधारों में ना ड्राइंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे पास ये क्लासेस होती हैं। अच्छा, हमारा मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम स्टूडेंट्स को तो करवा ही रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा ट्रेनिंग हम पेरेंट्स पे दे रहे होते हैं। जब हमारे पास पेरेंट आते हैं उनका माइंड एक ही होता है कि जी सर बच्चा तो मेडिकल में पढ़ा था, अब ये चाहता है मुझे टेक्सटाइल पढ़ना है, लेकिन सर हमें नहीं पता टेक्सटाइल क्या। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि पेरेंट्स की अपनी काउंसलिंग नहीं है रिगार्डिंग फील्ड, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो थोड़े प्रोमिनेंट से सब्जेक्ट हैं वो मेडिकल समझा जाता है, वो इंजीनियरिंग समझा जाता है, वो अकाउंट्स की फील्ड है, IT की फील्ड, इसके ऊपर। और मैं समझूंगा शायद बदकिस्मती से इस फील्ड को फील्ड समझा ही नहीं गया, वो यही समझा जाता है जी जो जिसके मार्क्स कम है उसको आर्ट फील्ड में भेज दें, उसको आर्टिस्ट बना दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से है। इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग के ऊपर फोकस होता है हमारा कि उनको पहले हम पूरी गाइडलाइन, उनकी कोचिंग, उनकी काउंसलिंग कि ये फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और एक अगर मैं ओवरऑल एक व्यू लूँ आर्ट एंड डिज़ाइन फील्ड का, मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इससे हटके है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ है कुछ चीज़ों पे अगर बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ में ड्राइंग मौजूद है। कोई भी चीज़ बनती है सबसे पहले उसकी सोच है, सोच के बाद सबसे पहले उसका स्केच बनेगा। आप, मैं छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ, एक प्लॉट है, ठीक है, आप आर्किटेक्ट हायर करते हैं, आर्किटेक्ट आके आपसे टॉक करेगा, आपकी नीड्स पूछेगा, आपकी सोच, अपनी सोच, उसको फिर एक असम्बल करके एक स्केच करेगा और वो स्केच वो होगा जो आपकी नीड्स हैं। उस स्केच के बाद कंस्ट्रक्शन, हर चीज़। अब मुझे बताएं, हम ड्राइंग के साथ जुड़ रहे हैं? मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ ड्राइंग के साथ जुड़ रहे हैं? मेरे पास ये, मैंने कपड़े पहने हुए हैं, आपने पहने हुए हैं, ये आपकी वॉच है, ये आपकी टाई है, ये बटन है, कैमरा, पंखा, लाइट, हर चीज़ में ड्राइंग मौजूद है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हमारे पास चीज़ें फाइनल फॉर्म में आती हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट में आती हैं, हमने इसको प्रोसेस को देखा ही नहीं होता। जैसे अगर आप एक फिनिश फॉर्म में घर देखें तो आप की फील फ़र्क होगी, और अगर आप एक पूरे घर को अपने सुपरविजन में कंस्ट्रक्ट करवाएं आपकी फील फ़र्क होगी। देखें तो डिफरेंट चीज़ें हैं, घर वही है। इसी तरह क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स के साथ इशू ये होता है कि उनको फील की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिगनिंग नज़र आ रही है। बिल्कुल, उनको लग रहा होता है कि शायद ये बच्चा जो डिसीजन ले रहा है ये ठीक नहीं है, जबकि अच्छा फिर इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ, इसमें कतन ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं हम उनको काउंसलिंग करते हैं या उनकी हम इस पूरी फील्ड से रिलेटेड जब उनकी कोचिंग होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हम फोर्सफुली कहें कि जी आप इस बच्चे को यहाँ पे भेजें, इस फील्ड में भेजें। उसके लिए हमारे कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, हमारे पास स्टूडेंट आता है, हम उसको कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं, उसकी साइकी, उसके बिहेवियर, उसकी सोच, उसकी स्किल्स, उसकी ऑब्जर्वेशन, इन चीज़ों को जज करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दी जाती हैं। तो उन एक्सरसाइजेस के बाद फिर हम खुद भी उसको एनालिसिस करते हैं, जो काम वो करके दिखाते हैं कि क्या इसमें से कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट बस ऐसे ही कह रहा है मुझे टेक्सटाइल पढ़ना है या फैशन पढ़ना है या आर्ट पढ़ना है, उसमें वो वाला पोटेंशियल भी है। और अगर हमें वो पोटेंशियल दिखे तो फिर हम थोड़ा सा उनको बोलते हैं कि आप इसको एक चॉइस ज़रूर दें, इसको चांस दें। अगर हमें वो पोटेंशियल नहीं दिखता तो हम वहाँ पर ये कह देते हैं कि आप थोड़ा सा और सोच लें फील्ड्स को, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा फैसला कर लें जिसके बाद आपको लगे कि ये मेरे लिए ठीक नहीं था। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारे पूरे माशरे में, हकूमत को भी देख लें, अवाम को भी देख लें, जो आर्टिस्ट लोग हैं उनकी उस तरह से कदर नहीं की जाती जिस तरह बाकी प्रोफेशन के लोगों की जाती है, इसकी क्या वजह है और इस पर आप क्या कहेंगे? सर जैसे देखें, भी पहले मैंने बात की कि हमारी सोसाइटी में इसको सब्जेक्ट कंसिडर ही नहीं किया जाता, सबसे बड़ी वजह ये है। जबकि आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स लेवल, MPhil, ऑनर्स, इवन के PhD ऑफर्स हो रही हैं, और माशाल्लाह हमारे बहुत से ऐसे कोलीग्स और फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं जो कोई माशाल्लाह PhDs भी कर रहे हैं, मास्टर्स तक। तो आप देखें कि एक सब्जेक्ट तो ये है लेकिन शायद ये एक ख़ास एक हम कह सकते हैं तबका ही इस तरफ आ रहा होता है, हर बंदा नहीं आ रहा होता। तो ये भी एक वजह है इस फील्ड को बहुत ज़्यादा आगे, यानी कि उस तरह की इम्पोर्टेंस ना मिल पाई। दूसरी बात, गवर्नमेंट लेवल पर वो सपोर्ट नहीं है,
गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट किस तरह से, कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात आर्ट की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में देखें तो एक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है इंडस वैली, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी है, और अब भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में जैसे बीकन हाउस है, IAC है, सुपीरियर, और कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो थोड़ा सा स्कोप लेके चल रही हैं, जैसे लाइक PIFT। तो ये भी एक वजह है कि अब देखें कि अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो बेशुमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, और अगर आप कंपेयर करते हैं आर्ट के साथ तो आर्ट की यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा एजुकेशनल लेवल और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे इसको थोड़ा सा और प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये हमारी सोसाइटी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह पर आपको इसकी इम्पोर्टेंस नज़र आती है। लेकिन बात वही है कि इम्पोर्टेंस तो बहुत है, लेकिन शायद वो इम्पोर्टेंस ली नहीं जा रही होती, या शायद कहीं ना कुछ मिसिंग एलिमेंट इसमें है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सर, आपका अपना इदारा भी है स्टूडियो तंजील के नाम से, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है? सर, स्टूडियो तंजील का इनिशिएटिव हमने 2003 में लिया, और उसमें कुछ इस तरह से था कि मेरी ड्राइंग स्किल शुरू से अच्छी थी, तो मैंने मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट्स आया करते थे कि आप ना हमें थोड़ा ड्राइंग की ट्रेनिंग दें। तो मेरा स्टडीज़ टाइम था वो, मैंने स्टडीज़ के साथ ही एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हमें एक स्टूडियो डिज़ाइन किया जाए। तो मैंने अपने एक छोटे से घर के ड्राइंग रूम से एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे काम करने, तो खैर वो करते 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 आज माशाल्लाह पूरा मेरे पास एक सिस्टम है स्टूडियो का। हमारे स्टूडियो की जो सर्विसेज में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस जो है वो है कोचिंग और उसके साथ काउंसलिंग, क्योंकि हमारे काउंसलिंग सेंटर्स नहीं हैं आर्ट के हवाले से। अगर आर्ट के हवाले से तो नहीं, मेरा ख्याल ओवरऑल भी बहुत कम है, और काउंसलिंग भी इतना फोकस नहीं होता, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलिंग और उसके बाद कोचिंग क्लास, और कोचिंग क्लास में हम ड्राइंग पे फोकस करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में या डिफरेंट आर्ट एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, और उस ट्रेनिंग में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ड्राइंग है। फिर ड्राइंग के साथ हमारे पास इसमें एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो उसके साथ अटैच होता है वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आर्ट एंड डिज़ाइन, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के ऊपर एक पूरी इन्फॉर्मेशन है। करंट अफेयर्स पे बात होती है उसमें, एसेस पे बात होती है उसमें, डिज़ाइन साइकी, उसमें ह्यूमन साइकी और डिफरेंट बिहेवियर्स, वो किस तरह से हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको उस पर फोकस होता है। फिर उसके बाद इसी प्रेपरेशन का जो हम सेशन एक लेते हैं, इस सेशन में पोर्टफोलियो, एक तो पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स का होता है कि जी हमने सर ये ड्राइंग बना ली बस यही है, लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि पोर्टफोलियो जस्ट एक ड्राइंग के हद तक नहीं है, वो आपके रिगार्डिंग फील्ड भी, कि अगर आप एक टेक्सटाइल में जाना चाहते हो तो आपके पास क्या नो हाउ है। ऐसा तो नहीं है कि आपने नेट से आपने कॉपी पेस्ट किया, एक इमेज बनाया कि सर ये मेरा पोर्टफोलियो है, उसके लिए प्रॉपर एक रिसर्च, एक ऐसी रिसर्च जिसके बाद आप जो भी क्रिएट करें वो आपकी अपनी क्रिएशन हो। वो ये अपनी क्रिएशन वाली बात ऐसे ही है जैसे हम किसी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं कह सकते, इसी तरह से ये तख्लीक का जो अमल है इसमें हम किसी की तख्लीक को हम अपनी तख्लीक नहीं कह सकते। तो देखें कि आप अपना खुद से क्रिएट करें अपनी सोच के साथ, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। फिर स्टूडियो के एंड पे हमारे पास इसमें प्रिपरेशन के वाले से इंटरव्यू काउंसलिंग है, इसमें ड्राइंग काउंसलिंग है, और बहुत से ऐसे बेशुमार हम क्रिएटिव स्किल्स कोर्स करवाते हैं इसमें, जिसमें हमारे पास ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, स्किल्स हैं सारी, क्रिएटिव स्किल्स हैं। सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और फ्यूचर में आप इससे रिलेटेड क्या क्या काम करना चाहते हैं? अच्छा, फ्यूचर गोल्स में अभी हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसका हमने इनिशिएटिव ले लिया हुआ है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, उसमें हम कुछ ऐसी स्किल्स पे काम कर रहे हैं जो आपको एक शॉर्ट टाइम में उसमें सीखने को मिले और आप एक शॉर्ट टाइम में अपने बिजनेस की तरफ आप काम कर सकें। उसमें हमारे इन क्रिएटिव कोर्सेज में से या इसमें जो हम ले रहे हैं, इसमें एक ब्लॉक प्रिंटिंग, इसके साथ एक टेक्सटाइल, इसके साथ एक फैशन, इसके साथ है ब्यूटिशियन। अब ये जो मैंने एक पूरी चेन आपको बताई है, देखें ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, कि आप अगर फैशन का काम कर रहे हैं आपको मेकओवर के लिए ब्यूटिशियन भी चाहिए, उसके साथ अगर आप एक प्रिंट का काम कर रहे हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग है, आप उसमें कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं, आप स्टैंपिंग कर रहे हैं, आप उसको प्रिंट कर रहे हैं, आपको उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए भी आपको मॉडल्स चाहिए, मेकओवर चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए। तो देखें कि ये हमने एक ऐसी सीरीज़ डिज़ाइन की है जिसमें एक शॉर्ट टाइम में हम स्टूडेंट्स को ये गाइड कर सकें कि आप स्किल्स के थ्रू इस सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और उस रोल को प्ले करने के साथ आप इसी सोसाइटी से क्या अपने लिए अर्न कर सकते हैं, क्योंकि लर्न करेंगे तो ही अर्न करेंगे। तो उसके अंदर इस प्लेटफॉर्म को हमने शुरू किया है,
और इसके ऊपर हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात, सिर्फ इसमें ऐसा ही नहीं है कि हमने यहाँ पे जस्ट एक स्किल्स दे दी तो वो बात ख़त्म होगी, उसकी प्रॉपर हम आगे फिर इसकी मार्केट का प्रोसेस कि आप ऑनलाइन बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को इन फ्यूचर जैसे सोशल मीडिया पे आप किस तरह से लेके आ सकते हैं, फिर आप अपना ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हैं, ब्रांडिंग क्या है, क्लोथिंग ब्रांड बना रहे हैं, वो इसमें बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो हम स्टूडेंट्स को उनके इस कोर्स के साथ गाइड करते हैं। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन और उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन माशाल्लाह जिस तरह से काम कर रही है सोसाइटी में, मेरा ख्याल है कि ये फाउंडेशन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने सोसाइटी में शऊर दिया, एक ऐसा शऊर और एक ऐसी सोच दी है जिससे लोगों का मेयारे ज़िंदगी, लोगों की सोच, उनका जो हम कह सकते हैं जैसे सोसाइटी के अंदर जो वो काम कर रहे हैं उसी काम के अंदर उन चीज़ों को और इन्हेंस करना, तो मैं समझता हूँ कि कासिम अली शाह साहब फाउंडेशन की तरह से और भी फाउंडेशन होनी चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करें। और जो मेरी परसेप्शन जो मैं देखता हूँ कि ये यूथ के लिए बहुत काम कर रही है, और यूथ पे काम करना मेरा ख्याल है ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि हम अपनी नई नस्ल को कुछ ऐसा दे के जाएँ जो जैसे एक कर्ज था और उसको फ़र्ज समझ के कासिम अली शाह साहब लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीलुर रहमान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग पेंटिंग और इसकी डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया अपना, बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।